हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है पोको X3 प्रो के अंदर लेटेस्ट Xiaomi .u का स्टेबल अपडेट जो कि बेस्ड है 13.0.5 स्टेबल वर्जन के ऊपर जो कि अभी जस्ट ग्लोबली रिलीज हुआ था। तो इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन कैसी है और क्या कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, कैसे आप इसको फ्लैश कर सकते हो, कुछ इश्यूज मेरे को फेस करने पड़े फ्लैशिंग के टाइम में, वो मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले प्लीज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर से करके जाना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर माई डिवाइस पेज आपको दिखाता हूं और उसके बाद फ्लैशिंग के बारे में बताता हूं। तो आप देखोगे MIUI by Xiaomi.u 13.0.5 स्टेबल वर्जन आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑल स्पेक्स के अंदर अगर आप आओगे यहां पे 3GB एक्सटेंडेड रैम मिल जाता है, एंड्रॉइड वर्जन 12 है, सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है जुलाई 2022 से अपडेटेड और जो कर्नल है यहां पर वो है पर्फ का। अब ये सब चीजें सेम है। अगर आप कोई फीचर यहां पर चेक करना चाहते हो इस सेटिंग के अंदर तो कोई भी नया चेंज आपको नहीं मिलता, इवन ना ही MIUI 13 का नया कंट्रोल सेंटर मिलता, तो यहां पे ये चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेगी। और अगर आप डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट चेक करोगे तो 60 और 120 का ही मिलता है। सो यहां पर मॉडिफिकेशन नहीं की जाती है Xiaomi.u की टीम से। आपको जो भी प्रीवियस फीचर्स आप यूज कर रहे हो ना इसके 13.0.4 के अंदर, सेम फीचर्स आपको यहां पर सेटिंग के अंदर मिल जाएंगे। अब फ्लैशिंग की बात करेंगे तो आपको पता होगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का लेटेस्ट स्टेबल अपडेट आ चुका है जो कि मैं फिलहाल यूज कर रहा हूं और वो इनक्रिप्शन को सपोर्ट करता है एंड्रॉइड 12 बेस्ड। तो यहां पे इस रोम का भी फास्ट बूट वाला जो रोम था ना वो रिमूव होके रिकवरी वर्जन आ चुका है। तो आप रिकवरी के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैंने रिकवरी के थ्रू यहां पर जब डिक्रिप्शन के अंदर इसको फ्लैश किया ना, मैं पहले भी डिक्रिप्टेड था तो उसके बाद मैंने DFE भी यहां पर फ्लैश किया था, बट उसके बाद ना मेरा डिवाइस यहां पर इनक्रिप्ट हो गया, मेरे को फॉर्मेट डेटा करना पड़ा इस रोम को बूट करने के लिए। तो ये दिक्कत आपको आ सकती है, तो मैं आपको पहले वार्न कर देता हूं कि आप अपना डेटा वगैरह बैकअप कर लेना इस रोम को फ्लैश करने से पहले। बट हां, अभी आप रिकवरी के थ्रू इस रोम को फ्लैश कर सकते हो। तो देख सकते हो मेरा डिवाइस इनक्रिप्ट हो चुका है, बल्कि मैंने यहां पर सारा का सारा जो मेथड था वो सेम फॉलो किया था और मेरा डिवाइस वो भी डिक्रिप्टेड था पहले, तो अभी जो है इनक्रिप्ट हो चुका है। तो डेटा अपना जो है पहले बैकअप कर लेना इसको फ्लैश करने से पहले। अब स्मूथनेस की बात करेंगे, रोम के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी अच्छी है, जो एनिमेशन है वो काफी स्मूथ आपको मिल जाते हैं, कोई ऐसे मेजर लैग स्टटरिंग वगैरह आपको नहीं आएगा ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम में, एंड UI का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी काफी स्टेबल आपको मिल जाता है। सो एज यू कैन सी यहां पर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, एंड जो एनिमेशन है वो भी काफी सुपर स्मूथ आपको मिलते हैं, एंड आई थिंक कोई भी रैम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी इश्यूज आपको नहीं आने वाले। अब स्टॉक कैमरा के अंदर क्या नया चेंज आपको मिलता है या फिर नहीं वो मैं आपको चेक करवाता हूं। 4K 30fps का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट है और ये आपको नए फीचर्स या फिर आप बोल सकते हो ओल्ड वाले मिल जाते हैं जिसके अंदर स्लो मोशन वगैरह सब कुछ आपका वर्क कर रहा है, इवन आप Gcam 8.1 भी यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको गैलरी के अंदर दिखाऊं ना कि आपको कुछ नया चेंज मिलता है या फिर नहीं, तो गैलरी भी आपको स्टिल ओल्ड ही देखने को मिलेगा, यहां पर कोई लेटेस्ट अपडेटेड आपको गैलरी नहीं मिलता जिसके अंदर बेसिक और एक साइड AI वाले फीचर्स आपको मिलते हैं। और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर चेक करोगे तो 90fps का ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 60fps तक आप यहां पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और इवन BGMI के अंदर भी 90fps का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सिस्टम अपडेट्स आपके थोड़े से ओल्डर ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब मैं आपको ना सभी चीजें यहां पर चेक करवा देता हूं, लाइक आपका जो डिवाइस है इस रोम के अंदर बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड मिलेगा, उसके बाद वाइडबैंड L1 आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और ये Geekbench 5 के स्कोर्स हैं जिसके अंदर गेम टर्बो को इनेबल किया है और परफॉर्मेंस मोड के ऊपर सेटअप कर रखा है, तो ये स्कोर्स आपको मिलेंगे। इवन यहां पर जो है आपको बैटरी कंजप्शन रोम का काफी अच्छा मिल जाता है, ये मिक्स्ड यूसेज आप बोल सकते हो। तो यहां पर जो मेरे को एक्टिव ड्रेन मिला ऑलमोस्ट 9% पर आर के आसपास है, आइडल ड्रेन 0.27% पर आर के आसपास और डीप स्लीप वर्किंग है, सो बैटरी कंजप्शन आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और ये आपको मैक्सिमम जो स्पीड मिलेगी ना चार्जिंग की वो 4000 मिली एम्पीयर के आसपास होने वाली है, मैक्सिमम स्पीड नहीं मिलेगी। इवन अगर आप देखोगे यहां पर आपका सीपी थ्रॉटलिंग ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, 93% तक सीपी थ्रॉटल होता है, 93% तक आपको ये वाला थ्रॉटल मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ अगर आप चेक करोगे 181,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS मिलेंगे एंड एवरेज मिलेंगे 172,000 के आसपास, और यहां पर भी गेम टर्बो के अंदर मैंने इसको ऐड कर रखा था।
तो BGMI के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 60 FPS का ही यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। 90 FPS मैंने बाय डिफॉल्ट तो वैसे बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता और ना ही मैंने कोशिश की यहाँ पर इनेबल करने की। तो 60 FPS के साथ में आपको जो है कैसी ऑप्टिमाइजेशन मिलती है, ये रोम ना 60 FPS को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती है। आपको क्लोज रेंज के अंदर भी कोई ऐसे मेजर दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली, आप जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर गेमिंग कर सकते हो, इवन हार्डकोर लेवल की गेमिंग भी इस रोम के ऊपर कर सकते हो। मैं 60 FPS की बात कर रहा हूँ और कोई भी मेजर हीटिंग इश्यूज मेरे को इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में नहीं मिले, और हीटिंग की वजह से वैसे हीटिंग आपको नहीं मिलता ना, तो उसकी वजह से कोई मेरे को ऐसे मल्टी टच वगैरह का इशू नहीं आया गेमिंग के टाइम में। और जो ऑप्टिमाइजेशन है गेमिंग की 60 FPS के साथ में वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है, बट डेफिनेटली जो 90 हर्ट्ज का या फिर 90 FPS का मजा है वो थोड़ा डिफरेंट है। और अगर आप उस रोम को देख रहे हो जो 90 FPS से यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सके, तो इलाइट रोम के लेटेस्ट वीकली अपडेट को ट्राई करो, वहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन ना वो आपको CR ड्रॉइड से भी बेटर मिलती है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर कंट्रोल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और कस्टम कर्नल भी आपको उसके अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। तो उस रोम को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, मैं आई बटन में लिंक देता हूँ, उस वीडियो को चेक करना। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।